जुबरावर गांव में हम आपको मिलाते हैं निर्मल सूरा जी से। हाँ जी सर, आप बताइए, आप भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, तो आप युवाओं के लिए और यहाँ की परेशानियों में क्या क्या मदद कर सकते हो? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। हाँ जी, निर्मल सूरा, संभाग प्रभारी, मिशन नहीं सहेगा राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी। पूर्व में मैं टीचर था और VRS लेकर के समाज सेवा और पार्टी सेवा के लिए मैं आया हूँ। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को जो मैंने अपनी नौकरी यहीं इसी क्षेत्र में की है और मैंने जो महसूस किया है, यहाँ पर हिंदुओं के साथ हमेशा दुराचार होता आया है, अत्याचार होता आया है। यहाँ पर मेवात के अधिक नज़दीक होने से हिंदुओं के मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं, बहनों के साथ दुराचार किया जाता है, और धर्मांतरण का भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ काम था जो मैंने रोका है, और ईसाइयत की ओर धकेलने का भी काम था जो रोका है। इन बातों को देखते हुए मुझे अपनी नौकरी से भी व्यथित होकर के, नौकरी छोड़ करके, मैं राजनीति का शौकीन नहीं रहा हूँ, ना राजनीति करने का मुझे शौक है, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धन संस्थापनाय युगे युगे, ये चीज़ें मुझे रामगढ़ में नज़र आने लगी, धर्म की हानि होती हुई जब नज़र आने लगी, क्योंकि मुझे बचपन से माँ से सनातन धर्म मिला है और पिता हमारे सन 47 से फौज में भर्ती थे, हम साथ रहे थे, साथ पढ़े थे, साथ लिखे थे, हमें राष्ट्र भावना कूट कूट के और धर्म की भावना कूट कूट के माता पिता से मिली है। तो मेरे लिए राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम सर्वोपरि था, न कि स्वार्थ और नौकरी। आज 1.25 लाख की नौकरी छोड़ करके अगर मैं इस पथ पर आया हूँ तो मुझे पैसे का तो लोभ होना मतलब ही नहीं है। दूसरा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से हिंदुओं पर प्रहार पे प्रहार होते आ रहे हैं, अभी दो दिन पहले रामगढ़ में ध्वजा यात्रा खाटू श्याम जी पर ध्वजा को फाड़ दिया, नूह की जो कितना जघन्य अपराध किया, हत्याकांड की गोलियां चलाई, थाने फूंक दिए, ये क्या है? ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है? ऐसे विदर्भियों को तो लगाम अगर शासन ही नहीं लगा पा रहा तो आम जनता क्या करेगी? अब वो समय नहीं रहा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यदि इस तरह का कोई तांडव हुआ जो नूह में हुआ, सबको घर छोड़ छोड़ करके पलायन होकर के रामगढ़ की विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आकर पड़ाव डाला हुआ है, इसी तरीके से इनको रामगढ़ भी छोड़ना पड़ेगा। मैं आगाह कर दूं, शांति प्रिय रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार पहले विधायक महोदय ने कहा था टांट फोड़ कर वोट लेंगे, ये कथन दोबारा नहीं होगा। और मैं भी ये कहता हूं, अगर ये लोग टांट फोड़ कर वोट लेंगे तो हम भी टांट फोड़ कर वोट लेना जानते हैं, हमें छेड़े नहीं, अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखें। तो निर्मल सूरा जी, ये यहाँ की विधायक है साफिया जुबेर खान जी, तो ये अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इन्होंने जाति विशेष को महत्व दिया है, अगर वो विधानसभा की विधायक बनी है उनके लिए सारा स्थान एक जैसा होना चाहिए। आप इधर गंडोड़ा साइड, खुटेटा कला साइड चले जाओ, सारी रोडें क्षतिग्रस्त हैं, इतना गड्ढों में पानी भरा हुआ है कि आम जन तो वहाँ निकल ही नहीं पाता। क्यों नहीं विकास किया वहाँ? उन्होंने अपने जाति विशेष के गांव-गांव, यहाँ तक कि उनके निजी जो ज़मीनें खरीदी हैं, निजी ज़मीनें खरीदकर वहाँ पर भी रोड निकालें, उनकी जांच क्यों नहीं कराई जाए? जो निजी ज़मीनों पर रोड बनवाए, सरकारी पैसा लगाया है, इनका हक नहीं बनता? सरकारी पैसा तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक स्थानों पर लगना चाहिए। इन्होंने अपने घर भरे हैं, अपने परिवार को उन्नत किया है। सूरज जी, जल शक्ति मंत्रालय जो है जी, उसका पानी का जो पैसा आया केंद्र सरकार, जल शक्ति मिशन का जितना भी पैसा आया है, इस कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार ने उस पैसे को रोका है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना पर रोक लगाई है, ये जनता के हक को डकारने पर लगी है, और उस पैसे को रोक करके जो सार्वजनिक फायदे होने चाहिए, जनता त्राईमाम त्राईमाम कर रही है पानी के लिए। कुछ जगह ये पैसा तो आया है, मैं कई मेयो समाज के क्षेत्रों में गया तो वहाँ तो सब बोल रहे हैं जहाँ पैसा आया है वहाँ सांसद महोदय दबाव दे करके कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हंगामा किया, दुनिया भर के हम लोगों ने घेराव किए, तब जाकर के कुछ पैसा रिलीज किया जहाँ पर जल मिशन के नल योजना। तो ये अपने समाज के लिए कार्य कर रही हैं। इन्होंने अभी आप मेवा क्षेत्र में जाइए, हिंदू सनातन धर्म के क्षेत्र में मत जाइए, वो ही कहेंगे कट्टरवाद इनके अंदर जो भरा हुआ है, वो अब आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता इनको अपना नक्शा दिखा देगी और इनको घर बिठाने का रास्ता लगभग पार्टी ने भी तय कर लिया है, पार्टी ने भी इनको क्रॉस लगा दिया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा, ये ऐसे भड़काऊ भाषण देती हैं टैट फोड़ो, तो जीतने के पश्चात इन्होंने एक छोटा सा भाषण और दिया था मीडिया को, जो अब चल भी रहा है, मैंने भी सुना है कि जो
अब की बार प्रत्याशी है, वो मेरे साथ पंचायत समिति में प्रधान भी रह चुके हैं, भोले हैं, शरीफ हैं, बोलते नहीं हैं, और जो पिछला प्रत्याशी था वो खुकार था, चिल्लाता जाता था, धारता जाता था, इसके बारे में कुछ कहोगे आप? धरती वीरों से कभी खाली नहीं होती, वीर योद्धा पैदा होते हैं और होते रहेंगे। ज्ञानदेव ओझा जी थे, वर्तमान में कौन है ये पूरा रामगढ़ की जनता जानती है, और इसको जवाब देने वाले मौजूद हैं, सिर्फ इंतजार है वोटिंग क्या टाइम की। तो सर पार्टियां आपको उम्मीदवार तय करती है, तो आप क्या क्या करोगे यहाँ के लिए? मेरा प्रथम मिशन रहेगा सबसे पहले सभी धर्मों की रक्षा करना। अगर कोई हमारे धर्म पे, हिंदू धर्म पर भी आंच पहुंचाएगा, उसको कतई नहीं बर्दाश्त होगा और ना ही बर्दाश्त करने लायक है। जब हम दूसरे धर्म की कोई हानि नहीं करते, दूसरे धर्म का सम्मान करते, हिंदुओं के धर्म के साथ अपमान क्यों? ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल सूरा जी।